तो हे गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे लेसन ये तूने क्या किया सॉन्ग, ठीक है। इसको आज हम लोग कवर करेंगे, तो इसके सबसे पहले हम लोग टैब्स देखेंगे, देन मैं इसके आप लोग को एक कॉर्ड भी बताऊंगा, ठीक है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, सो लेट स्टार्ट। सो गाइज अब हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं आप लोग को इसके टैब्स बता देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग कॉर्ड्स पर मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से आता है हम लोग का, ठीक है। स्टार्टिंग ठीक है, तो इतना पहले देखते हैं किस तरीके से प्ले होगा। तो मैंने किस तरीके से किया है, सबसे पहले मैं बी स्ट्रिंग पे हूँ, देन मैंने प्ले किया है 3-5, ठीक है, देन 5-8 स्लाइड, ठीक है, देन उसके बाद फिर से 8, देन उसके बाद 7, देन उसके बाद 10-8 स्लाइड करेंगे, देन उसके बाद फिर से 8-2 टाइम्स, तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, देन इसके बाद 7-3 स्लाइड करेंगे, देन इसके बाद फिर 5, देन इसके बाद 3-5 स्लाइड, फिर जरा थोड़ा सा पॉज लेने के बाद हम लोग जी स्ट्रिंग पे 5 प्ले करेंगे। तो कंप्लीट कुछ इस तरीके से एकदम स्लो प्ले करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से होगा। देन इसके बाद हम लोग क्या करना है, ठीक है, तो यह अलग हम लोग किस तरीके से प्ले होगा। तो सबसे पहले हम लोग 4-5 हैमर कर रहे हैं इस तरीके से, देन इसके बाद 4, देन उसके बाद 7, ठीक है, देन इसके बाद बी स्ट्रिंग पे आएंगे हम लोग, प्ले करेंगे 5-7, देन इसके बाद जी स्ट्रिंग का 7, देन इसके बाद 5-8 बी स्ट्रिंग का, ठीक है। तो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, देन इसके बाद 7-3 स्लाइड, देन इसके बाद 5-3, तो एकदम स्लो प्ले करता हूँ इसको भी मैं, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग किस तरीके से आता है, ये जो मैंने भी आप लोगों को पूरा प्ले करके दिखाया है, इसको आप लोगों को 2 times प्ले करना है, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग की कुछ इस तरीके से लाइन आती है, तो ये किस तरीके से प्ले होगा। सबसे पहले मैं 4 प्ले कर रहा हूँ जी स्ट्रिंग का 2 times, ठीक है, देन इसके बाद 7, देन इसके बाद 5, 4 times, ठीक है। तो इस तरीके से आ रहा है, देन इसके बाद 7-5-4, ठीक है, देन इसके यही सेम रिपीट करेंगे, देन यहाँ पे जो 5 है इसको हम लोग 5 times प्ले करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आएगा, हल्का सा चेंज है देखना, ये पहले प्ले किया था, देन इसका नेक्स्ट, ठीक है, देन इसका 3rd time जो प्ले करेंगे उसमें हल्का सा चेंज आएगा इस तरीके से,
ये किस तरीके से है, 5x5 प्ले करेंगे, देन इसके बाद हम लोग बी स्ट्रिंग का 5 प्ले करेंगे, देन इसके बाद 7G स्ट्रिंग का 5 और 4। ठीक है, तो एकदम स्लो प्ले करता हूँ, देखो इस तरीके से थर्ड वाला मैं प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, देन इसके बाद हम लोग प्ले करेंगे 4 2 times, देन इसके बाद 5 then 4 then 5। ठीक है, देन इसके बाद 4 to 2 slide करेंगे, देन इसके बाद 4 to 5 slide करेंगे, देन 4 G string में है पूरा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये खत्म हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग इस तरीके से लाइन आती है, ठीक है, ये किस तरीके से प्ले होगा, तो सबसे पहले हम लोग 4 प्ले कर रहे हैं, देन इसके बाद 5 2 times, जो सेकेंड टाइम्स करेंगे उसमें स्लाइड करेंगे 9 पे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देन इसके बाद 9 प्ले करेंगे 4 times, तो इस तरीके से आएगा, देन इसके बाद हम लोगों ने बी प्ले किया है, बी स्ट्रिंग हम लोगों ने प्ले किया है 7th फ्रेट। ठीक है, देन इसके बाद 7 to 8 हैमर पुल ऑफ करेंगे, ठीक है, तो इससे किस आएगा, देन इसके बाद हम लोग प्ले करेंगे 9, ठीक है, जी स्ट्रिंग का, देन इसके बाद 7 2 times, देन इसके बाद फिर से 9, देन इसके बाद फिर से 7 2 times, तो इससे किस आएगा। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग 2 times रिपीट करेंगे, देन इसका फिर से हम लोग की वही सेम लाइन आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। देन इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसके बाद इस तरीके से एक म्यूजिक आती है, ठीक है, इस तरीके से, तो किस तरीके से प्ले होगी मैं आप लोग बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग ई स्ट्रिंग पे, ई स्ट्रिंग पे हम लोगों ने प्ले किया 5 और 7, इसके फिर से 5, ठीक है, देन इसके बाद बी स्ट्रिंग पे आ गए हम लोग, प्ले कर रहे हैं हम लोग 8th नोट, ठीक है, इस तरीके से, देन इसके बाद 7 to 8 slide करेंगे, देन इसके बाद 8 प्ले करेंगे 4 5 times, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसको 2 times प्ले करेंगे, नमस्कार, इसको हम लोग फिर यहां पे इस तरीके से ये करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है हम लोग का 8 7 and 8 to 10 slide, ये हम लोग का जो 8 to 10 slide है बी स्ट्रिंग पे है, फिर से देखो, ठीक है, देन इसके बाद फिर से प्ले करेंगे 10 then 12, ठीक है, इस तरीके से 10 12 13 12, देन इसके बाद हम लोग 10 to 12 हैमर एंड पुल ऑफ करेंगे एंड हम लोग स्लाइड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग हैमर ऑन पुल ऑफ करने का स्लाइड करेंगे 8 पे आ जाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है,
ठीक है, ये भी हम लोग 5 टाइम्स शायद प्ले कर रहे हैं, सॉरी 4 टाइम्स है, ठीक है 4 टाइम्स इसको प्ले करना है। ठीक है तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं फुल प्ले करके दिखाता हूँ, एकदम स्लो कुछ इस तरीके से। ठीक है तो हम लोग जो टैब्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम लोग जो इसकी कॉर्ड देख लेते हैं, सिर्फ एक कॉर्ड मैंने इसमें यूज की हुई है, ठीक है जी मेजर। पूरा जो सॉन्ग है वो इसी पे आ जाएगा हम लोग का, और बहुत अच्छा भी साउंड करेगा। ठीक है ये इस लेसन की खास बात है कि इसमें हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉर्ड यूज की है, सिर्फ जी मेजर। तो जो बिगनर्स लोग हैं काफी इजिली प्ले कर सकते हैं इससे। ठीक है तो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि जिसको नहीं लगानी आती जी कॉर्ड किस तरीके से लगती है। तो सबसे पहले जो मेरी मिडिल फिंगर से स्टार्ट करते हैं, मिडिल फिंगर मैंने लगाई है ई स्ट्रिंग पे, ठीक है 3rd फ्रेट पे। देन उसके बाद फर्स्ट फिंगर लगी हुई है हम लोग की ए स्ट्रिंग पे 2nd फ्रेट, तो किसी तरीके से आएगा। ठीक है देन उसके मेरी जो 3rd फिंगर है मैंने बी स्ट्रिंग पे 3rd फ्रेट पे लगाई है, एंड जो 4th फिंगर है वो भी बी स्ट्रिंग पे 3rd फ्रेट पे, ठीक है सॉरी जी ई स्ट्रिंग पे 3rd फ्रेट पे। इस तरीके से ये दोनों आ गई सेम फ्रेट पे, और मेरी मिडिल फिंगर भी सेम फ्रेट पे ही है 3rd फ्रेट पे, एंड जो मेरी फर्स्ट फिंगर है वो 2nd फ्रेट पे है ए स्ट्रिंग पे। ठीक है तो कुछ इस तरीके से आ गई, ये हम लोग की जी मेजर हो गई। एंड स्ट्रमिंग कौन सी यूज की है मैंने कुछ इस तरीके से, मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। इसको सिखा भी देता हूँ मैं आप लोगों को, काफी इजी स्ट्रमिंग है। ठीक है सबसे पहले डाउन प्ले करेंगे हम लोग 2 टाइम्स, देन अप 2 टाइम्स। इसको पहले प्रैक्टिस करते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा हम लोग को। ठीक है ऐसे देख लो, ठीक है ठीक है, देन से डाउन अप डाउन अप, ठीक है इस तरीके से आएगा। ठीक है देन इसका फिर से डाउन अप अप डाउन अप, हम लोग कंप्लीट हो जाएगी। तो कुछ तरीके से एकदम स्लो पे करता हूँ, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप। ठीक है देखो किस तरीके से, देखो किस तरीके से ये है। ठीक है ठीक है तो हम लोग की स्ट्रमिंग कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइज आई होप कि आपको आज का मेरा लेसन समझ में आएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी मैंने किस तरीके से क्या प्ले किया है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और कमेंट नहीं करना तो मुझे आप लोग डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियोज एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।